था। और सुनो, कल ये वर्दी प्रेस होनी चाहिए अच्छी तरह ढंग से, समझ गए? सॉरी मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी, वरना लात मार के नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम जी। बोल। राम राम। कौन है बे तू? घर से खाली सेके जो सवेरे सवेरे मुंह उठाया डे चलाया। मैडम जी, मेरा नाम है मेट्रो रोमांटिक, बाहों में लिपट जाओ। ये बकवास कर रहे से। मम्मी जी, मैं इस आदमी का खून पी जाऊंगा, खून, खून की नदियां बहादूंगा, खून की नदियां। इस आदमी ने आपको बाहों में लिपटने को कहा। साहब, गुस्सा नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं करने का। साहब, ये मेरा तकिया कलाम है जो मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है साहब। तो मैडम, मैं ये बोल रहा था, बाहों में लिपट जाओ। मेरी नई नई शादी हुई है मैडम, और मैं हनीमून मनाना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ मनाएगा हनीमून? घर जा, घर जाके मनाइयो। मैडम, बात ये नहीं है, बाहों में लिपट जाओ। तो फिर के बात से? मैडम जी, मैं हनीमून पे गोवा जाना चाहता हूँ, बाहों में लिपट जाओ। तो जाना फिर, किसने रोका से? मैडम जी, बात ये है कि बाहों में लिपट जाओ, मैं अपने हनीमून पे नहीं जा सकता। क्यों? कोई डिफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट? डिफेक्ट वाली कोई बात नहीं है, बात ये है मैडम जी, मेरी बीवी का नाम रसमलाई है। रसमलाई? वाह, कितना सुंदर नाम। अपनी बीवी का नाम ऐसे करने आया बड़ा। अभी तू बोल, क्यों मना कर रही है तेरी बीवी? नहीं मैडम जी, बाहों में लिपट जाओ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैडम जी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बाहों में लिपट जाओ। वो मेरी पत्नी बच्चों वाली जिद पे अड़ी है मैडम जी। वो कहती है, हनीमून पे जाने से पहले आप मेरी एक पहेली का उत्तर दो। तो फिर दे देना उत्तर, के दिक्कत से तन्ने? प्रॉब्लम है ना मैडम जी, बाहों में लिपट जाओ, मुझे उस पहेली का उत्तर पता ही नहीं। तू मन्ने बता के पहेली से, मैं बताऊं तन्ने उत्तर। मैडम जी, अगर आपने उत्तर दे दिया तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा हनीमून मन जाएगा, बाहों में लिपट जाओ। तो मैडम जी, ये रही आपके सामने पहली, हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान, गर्मी में वो दिखता है, सर्दी में गायब हो जाता है, बताओ मैडम जी वो क्या है? बाहों में लिपट जाओ। मन्ने तो कोनी बेरा, जे आपने बेरा है तो आप ही दे दो इसकी पहेली का उत्तर, बेचारे का हनीमून मन जाएगा। भाइयो, प्लीज आंसर जल्दी देना, मुझे हनीमून को लेट हो रहा है। प्रिय दर्शकों, हम ये वीडियोस आपके मनोरंजन के लिए बनाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और दर्शकों, मैं जो शराबी का किरदार आपके लिए निभा रहा हूँ, ये केवल मात्र मनोरंजन के लिए। शराब पीना सेहत के लिए काफी हानिकारक है,
शराब का सेवन ना करें। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।